मॉर्निंग, मैं दीपाली सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर, गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़। आज का हमारा टॉपिक इंडिजिनस गेम्स। इंडिजिनस का मतलब होता है पारंपरिक या देशज गेम। देशज मतलब जो हमारे देश की मिट्टी में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार उसका अभ्यास लोग करते रहे हैं, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं होती हैं, या उनमें से कुछ ही खेल ऐसे हैं जो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जिनका कई क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हो चुका है, वैसे खेलों का अब आधिकारिक प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं। इंडिजिनस गेम्स जो है वो वैसे पारंपरिक खेल हैं जो किसी भी क्षेत्र के लोगों द्वारा या किसी खास संस्कृति के द्वारा जिसकी उत्पत्ति की गई है या प्रारंभ किया गया है। ये खेल अन्य खेलों से इस तरह से अलग हैं कि इनके लिए जो भी नियम कानून हैं वो लोग अपनी सुविधा अनुसार उस क्षेत्र में जो सुविधाएं मौजूद हैं उसके अनुरूप वो लोग उसके नियम कानून बना लेते हैं और उस खेलों का वहाँ पे आयोजन किया जाता है। इंडिजिनस गेम्स जो है इसका सीधा मतलब होता है कि ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है जो लोकल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे जिन खेलों का आयोजन लोग अपने मनोरंजन के लिए भी किया करते हैं। मैंने यहाँ कुछ इंडिजिनस गेम्स जो देशज खेल हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये कुछ जो है इनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो चुका है और इनमें से कई एक जो है वो हमारे विश्व के आधिकारिक खेल की सूची में शामिल हो चुके हैं। जैसे रेसलिंग जो है वो हमारे विश्व के आधिकारिक खेल की सूची में शामिल है और आर्चरी जो है ये हमारे आधिकारिक खेल की सूची में शामिल है। तो इस तरह से मैंने यह लगभग 12 खेलों की सूची दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं और उनका उस क्षेत्र में बहुत वर्चस्व है, लोग उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप सभी ने खो खो, कबड्डी, कंचे, रेसलिंग जिसको हम लोग कुश्ती या पहलवानी भी बोलते हैं, मलखम, गिल्ली डंडा, मलमकली, कैमल रेस, जली कटू, आर्चरी, आत्या पात्या, पचीसी, मोक्ष पत्तनम, ये जो पचीसी और मोक्ष पत्तनम है ये चेस से मिलता जुलता खेल है। बाकी सारे खेल के नाम आप सभी ने सुने हुए हैं और इसमें वलमकली जो है ये केरला का एक देशज खेल है जिसमें एक सांप नुमा नाव पे लोग एक साथ समूह में बैठकर और रेस करते हैं। वैसे ही जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक बुल को, सांप को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से कई खेल ऐसे हैं जो अपने अपने देश में सिर्फ परंपराओं को जीवित रखने के लिए भी खेला जाता है। जैसे जलीकट्टू में किसी भी मनुष्य के जान को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, बहुत भयंकर चोट आ सकती है, तो इसलिए ऐसे खेलों का प्रचार प्रसार होना बहुत सही नहीं माना जाता है। लेकिन वहाँ के लोग चूंकि उनकी परंपराओं से, उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये खेल, इसलिए वहाँ पे अभी भी इस खेलों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रही बात की पारंपरिक खेल तो मनोरंजन के लिए ही खेला जाता है और लोग आपस में, मतलब अपने क्षेत्र में जब उनके पास उनका कृषि कार्य समाप्त हो जाता है या उनका उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी वहाँ के कार्य में वो लोग लगे होते हैं, वो उस कार्य का दो कार्यों के बीच में जब गैप होता है वैसे टाइम में लोग अपने मनोरंजन के लिए इस तरह के पारंपरिक खेलों का आयोजन करते हैं ताकि लोगों का आत्मविश्वास बना रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और फिर अगले अपने कार्य के लिए पूरे रिफ्रेश होकर आगे के लिए तैयार हो सके। जहां तक हम लोग देखते हैं पारंपरिक खेलों के लाभ क्या है, फायदे क्या क्या है, तो मैंने उसकी यहाँ पे 4-5 पॉइंट अंकित किए। इसके अलावा भी वहाँ के लोगों से जब हम लोग बात करते हैं या वहाँ के लोकल क्षेत्र में जब हम लोग जाकर उस खेलों का आनंद लेते हैं उस समय में हम लोग ये देखते हैं कि उन खेलों के कितने लाभ हैं। सबसे पहला तो है कि क्षेत्रीय और बाहरी लोगों को एक साथ जोड़ना। इसमें क्या होता है कि जो भी बाहर के लोग अगर किसी ऐसे अननोन जगह पे, ऐसे अनजाने जगहों पे जब जाते हैं तो वहाँ लोगों को
में जो सबसे आसान उपाय है वो यही है कि लोग खेल के बहाने, खेल में हिस्सा लेकर एक दूसरे को जाने और समझे। दूसरा जो है अपनी संस्कृति से जोड़ना, वहाँ की लोकल क्या क्या परंपराएं हैं हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो हम लोग वहाँ की परंपराओं को तभी जान सकते हैं, तभी हम लोग उसको जी सकते हैं या उसको अपना सकते हैं, जब हम लोग वहाँ उनकी संस्कृति से जुड़ेंगे। और संस्कृति से जुड़ने का जो सबसे आसान सा उपाय है वो यही है कि हम लोग खेलों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए। शारीरिक क्षमता का विकास, ये तो किसी भी आप किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर करते हैं, कोई भी गतिविधि अगर आपकी होती है तो उसका सबसे पहला जो फायदा होता है वो आपकी शारीरिक क्षमता में ही पड़ता है। सामाजिक दायरा में वृद्धि होना, जब खेल कूद में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होता है, हम लोग हमको आसपास के बहुत सारे लोग जानने समझने लगते हैं, हमारी जरूरतों को वो पूरा करने लगते हैं या हमारे लिए खेल की वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है। तो इस तरह से हमारे सामाजिक दायरे में वृद्धि होती है। शिक्षा या अन्य क्षेत्र में हम किसी भी तरह के अन्य गतिविधि में अगर शामिल हैं तो हमारे मन का शांत होना, हमारे दिमाग को ऊर्जा से भरपूर होने के लिए हमारा खेलों से जुड़े रहना और खेलों में हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। और जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारे लिए वो जो है एक बूस्टर का काम करता है, वो चाहे आप रेगुलर कोर्स में कोई खेल खेलें तो या हमारे देशी या देशज खेलों में हिस्सा लें तो। और छठा जो है वो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह के खेल में अगर हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहला चीज जो यही होता है हमारी पर्सनालिटी की, ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और हमारे कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है और हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा अपने आसपास के क्षेत्र में एक जो हमारा स्थान बनता है वो भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से हम लोग या तो रेगुलर कोर्स में खेलें या देश में खेलों में खेलें।